जैसे कि नल वगैरह की व्यवस्था एकदम खत्म है, नल वगैरह तो दिख नजर नहीं आ रहा है, खाली बेसिन बना दिया गया है लेकिन नल नहीं, यानी पानी नहीं है, टैप की व्यवस्था नहीं है। जब यहाँ आए तो पूरा पानी का व्यवस्था नहीं है, बेसिन नो सब लगा हुआ है लेकिन टूटी टूटी कुछ व्यवस्था नहीं है। तो सरकार बनाया है, खर्चा किया है, इतना लागत लगाया है और नहीं समझता किसी को निगरानी में दे दे, व्यवस्था सही रखे। नया नया बस अड्डा है, लगता है कि 50 साल पुराना हो गया। मधेपुरा बस पड़ाव यानी कि नया वाला जो मधेपुरा में जो बस स्टैंड बना है उसी परिसर में है। और देखिए कि कुछ गाड़ी लगा हुआ है, सभी लोग पटना जाने वाले हैं, शाम का इंतजार कर रहे हैं कि 5 बजे का पटना वाला गाड़ी में बैठेंगे और पटना पहुंच जाएंगे। तो उससे पहले तो भैया इंतजार करना होगा। आज हम देखेंगे कि बस स्टैंड जो नया वाला बना है उसकी क्या स्थिति है, क्या कुछ यहाँ व्यवस्था किया गया है, क्या कि काफ़ी जो है पंखा वगैरह तो देख रहे हैं, लाइट वगैरह तो लगा हुआ है, लेकिन शौचालय की क्या व्यवस्था है, पानी की क्या व्यवस्था है, जो बाहर से यात्री आते हैं उसका जो है वो कैसे मतलब उसका जो कुछ होता है, सारी चीज़ों को हम जानने देखने के लिए हम पहुंचे हैं। मधेपुरा का नया वाला जो बस स्टेशन परिसर है वहीं पहुंचे हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं, लग रहा है कि सभी लोग जो है ना पैसेंजर है, गाड़ी का अपना अपने गाड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए तार टूटा हुआ है तो इसमें पानी है कि नहीं, इसमें देखते हैं पानी है कि नहीं। अरे रुकिए भाई, देखने के लिए निकलता है कि नहीं, नल वगैरह नहीं चलता है। देखिए पाइप तो मोटा वाला पाइप है, पाइप तो हालांकि ठीक ठाक है लेकिन पानी इसमें नहीं निकल रहा है। तो ये स्थिति है, बिजली घर में ताला लगा हुआ है। और जो है आगे बढ़ते हैं, देखिए वहाँ पे क्या है, लगता है टंकी बनाया गया है, क्योंकि टंकी जो है यूं ही पड़ा हुआ है। हम अपने सहयोगी से बोलेंगे थोड़ा आगे बढ़े, ये शौचालय है, ये साफ कर रहा हूँ, हम देख रहे हैं। देखिए कि ये शौचालय है ना, आगे देखिए शौचालय की स्थिति। अरे बाप, देखिए नल तो देखने टूटा हुआ है, नल तो नहीं है क्या, इसमें सेंट कितना दे रहा है सो देखिए कि नल तो है, बेसिन बढ़िया बढ़ा दिया गया है लेकिन नल का जो है कहानी खत्म है, नल तो नजरे नहीं आ रहा। वायरिंग टैरिंग सब सब देखिए वायरिंग वगैरह किया गया है लेकिन बाथरूम का नहीं है। तो ये स्थिति है, बाथरूम का अंदर जाना हम मुनासिब नहीं समझेंगे, काफ़ी गंध कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? नंदन कुमार। नंदन जी यात्री हैं या फिर क्या? अभी हम यहाँ पे माल लेने आए थे, बस से पटना से माल आया था आपका जी। अच्छा, तो हमको एक आए जैसे मतलब तो आगे आ जाइए। हाँ, हमको शौचालय जाने का बहुत ज़रूरी हो गया था। जब यहाँ आए तो पूरा पानी का व्यवस्था नहीं है, बेसिन नो सब लगा हुआ है लेकिन टूटी टूटी कुछ व्यवस्था नहीं है। तो सरकार बनाया है, खर्चा किया है, इतना लागत लगाया है और नहीं समझता किसी को निगरानी में दे दे, व्यवस्था सही रखे। नया नया बस अड्डा है, लगता है कि 50 साल पुराना हो गया। तो इसमें बहुत असुविधा हो रही है और जो यहाँ रहते हैं ड्राइवर व्राइवर सबको ही काफ़ी देख रहे हैं, परेशानी है, सबसे बातचीत किए हैं अभी हम देखिए व्यवस्था। आप शौचालय में तो आपको जाना था, नहीं गए अभी तक? नहीं सर, जब पानी वहाँ पे कल है वहाँ से पानी भर के लाए हैं तब गए हैं, किसी तरह से करके आए हैं। जब जोर से यहाँ पे गलत बोल तो कोई पानी कहाँ डब्बा में भर के लाए जी, पानी एक डोल था यहाँ पे रखा हुआ ना, तो वही ड्राइवर साहब का था, वही अपने लिए लाए थे, तो उसी से मांगे तो दिया। तो फिर यहाँ पे तो देख रहे कि बेसिन तो बना हुआ है जी, बना हुआ लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं, पानी पानी नहीं है, टंकी वंकी कुछ नहीं। अच्छा, बस वो यानी शोर लगा दिया गया जी। लेकिन कहा जाता है कि बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, लेकिन आपको क्या दिख रहा है? हम तो आपके कैमरा में सारा चीज़ नज़र आ रहा है, हम तो देखते ही, आप एक बार देख लीजिए। हम तो देख क्या है, आर डी ओ को भैया है का भैया इंतजार कर रहे हैं, जाना है लेटरिंग करने के लिए जाना था। अच्छा, गए में पानी का व्यवस्था नहीं है, भी नहीं होगी, गए अंदर में देखे बहुत गंदा है, इसलिए हम वहाँ अंदर नहीं गए, बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं लेटरिंग करने के लिए, बाहर में इधर व्यवस्था नहीं है जाने का, वो है घर उधर और यहाँ पर पानी का व्यवस्था नहीं है, अंदर में पूरा गंदा है, इसीलिए हम लगभग 1 घंटा से घूम रहे हैं इधर लेटरिंग करने के लिए। 1 घंटा से घूम रहे हैं? हाँ, लेकिन अभी तक नहीं गए, अभी तक नहीं गए, अंदर में बहुत गंदा भी है और पानी का व्यवस्था भी नहीं है। पानी तो वहाँ से लाने के लिए गए तब तक यहाँ लोग आए हैं। यात्री हैं या फिर आप कहीं कर रहे हैं? यहाँ भी है आपका रामनगर ढेलार? अच्छा अच्छा, रामनगर ढेलार गाड़ी यहाँ पकड़ने आए हैं? हाँ, गाड़ी पकड़ने के लिए रूपा क्या करना है, रामनगर में। अच्छा, ये स्थिति है। तो देखिए कि दावा तो किया जाता है कि शौचालय हर जगह बना हुआ है, लेकिन जो सार्वजनिक स्थल है, जो सार्वजनिक जगह है, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, चौराहा, वहाँ की स्थिति क्या है? मधेपुरा का
जो शौचालय है नया वाला जो बस स्टेशन परिसर बना है उसकी स्थिति क्या है वो हम आपको दिखाएं। अंदर जाना मुनासिब नहीं था इसलिए हम बाथरूम के अंदर नहीं गए, काफ़ी जो है गंद कर रहा था, काफ़ी बदबू दे रहा था। जैसा कि हमने देखा कि जो है बेसिन लगा हुआ है, ठीक ठाक बढ़िया है, लेकिन जो मुख्य चीज़ है जो पानी वो जो है नदारत है, नज़र नहीं आ रहा है। लोगों का कहना है कि दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए तब लेके आते हैं। भाई साहब एक घंटा से खड़ा है, अगर बताइए कि अगर बेसिन लगा होता तो लोग इधर उधर नहीं भटकते, तो ये स्थिति है। हम भी आग्रह करेंगे जिला प्रशासन मधेपुरा। खैर खबर आपको कैसा रहा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो।